इंदौर से बड़ी खबर सामने आई है। यहां से बीजेपी नेता अक्षय बम और उनके पिता कांतिलाल बम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुई है। 17 साल पुराने मामले में सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। अक्षय बम कांग्रेस छोड़कर हाल ही में लोकसभा प्रत्याशी का नामांकन वापस लेकर बीजेपी में शामिल हुए थे। खबर दिखाएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले जेबीएन 24 न्यूज में आज सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुसुम ठाकुर। बता दें 22वें सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शर्मा की कोर्ट में सुनवाई हुई। मजिस्ट्रेट ने दोनों पिता पुत्र अक्षय कांति बम और कांतिलाल बम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। फरियादी यूनिस उर्फ गुड्डू ने अक्षय बम के खिलाफ खजराना थाना क्षेत्र मामला दर्ज कराया था। जिला सत्र न्यायालय में था मामला। 22वें सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शर्मा की कोर्ट में सुनवाई हुई। मजिस्ट्रेट ने दोनों पिता पुत्र अक्षय और कांति बम के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। अक्षय बम ने न्यायालय में शहर से बाहर होने का आवेदन दिया था। वहीं उनके पिता कांति लाल बम ने दिल की बीमारी होने का आवेदन किया था। 307 का जो मामला था उसमें क्या जजमेंट आया है? 307 के जजमेंट में आज पहली डेट थी फिक्स, जिसमें दोनों पक्षों को उपस्थित होने के ऑर्डर किए थे कोर्ट ने। हमारा पक्ष जो है सुबह से उपस्थित हो गया था, किंतु जो सामने वाला विरोधी पक्ष था जिसमें अक्षय कांति बम दोनों पिता पुत्र को भी उपस्थित होना था, किंतु उपस्थित नहीं हुए। उनकी ओर से उनके अभिभाषक जो है उपस्थित हुए। उन्होंने धारा 317 हाजिरी माफी आवेदन पेश किया, जिसमें बताया गया कि कांति बम जो है बीमार है, उनको हृदय रोग का बीमार, डॉक्टर मैत्री का सर्टिफिकेट पेश किया और अक्षय की तरफ से बताया गया कि वो इंदौर शहर के बाहर है किसी कार्यक्रम में, इसलिए आ नहीं सकते। तो न्यायालय ने जो है धारा 317 का हाजिरी माफी आवेदन निरस्त करते हुए अरेस्ट वारंट जारी कर दिया, गिरफ्तारी वारंट। क्या कुछ तर्क रखे गए थे आपके द्वारा? हमारी तरफ से धारा 439(2) दंड प्रक्रिया संहिता का आवेदन पेश करके अक्षय कांति बम की जमानत निरस्त करने की आवेदन पेश किया था। और उसके साथ हमने जो है वर्ष 2007 से लेके तो 2023-24 तक जो जो उन्होंने हमारे साथ कार्यवाहियाँ की, जो जो यहाँ से लेके तो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तहसीलदार से लेके तो रेवेन्यू कोर्ट, सारे के सारे दस्तावेज पेश किए थे, किंतु न्यायालय ने जो रिलीफ है 317 का निरस्त करते हुए रिलीफ हमें जो दे दी, जो हमें चाहिए थी वो रिलीफ हमें मिलेगी। आज दिनांक को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री विनोद कुमार शर्मा साहब के न्यायालय में अक्षय पिता कांतिलाल बम एवं कांतिलाल बम इनके मामले से रिलेटेड सुनवाई हुई। इस पूरे मामले में कुल 5 आरोपी गण हैं, जिसमें से आरोपी सतवीर मृत है, आरोपी सोनू और आरोपी मनोज पूर्व से फरार हैं, जिनके खिलाफ दिनांक 15 मार्च 2024 को वारंट जारी किया जा चुका है। इस मामले में आरोपी अक्षय और आरोपी कांतिलाल पूर्व से मजिस्ट्रेट न्यायालय के सामने जमानत पर थे। धारा 307 आईपीसी बढ़ाने के बाद मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा सत्र न्यायालय के समक्ष मामले को कमिट कर दिया गया था, ट्रांसफर कर दिया गया था। बस इतना ही। मध्य प्रदेश की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जीबीएन 24 न्यूज।